हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपको एक लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा। एक कस्टमर मेरे पास आया, इसमें जो प्रॉब्लम है ये सैमसंग का मोबाइल है M30s, M31 हो आपके पास या फिर M20 हो, M21s हो, ये सारे मॉडल सेम होते हैं। इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो आप भी समझ जाओगे। अगर आपके पास भी अगर ऐसा सेट है तो उसमें देखना एक कॉमन सी प्रॉब्लम ये आती है। अगर अभी तक आपके पास प्रॉब्लम ये नहीं आई है तो आगे जाके आने वाली है, ध्यान रखना। अब ये देखो इसमें ये सिर्फ ये लोगो बन के आएगा, चार्जिंग इसकी बढ़ेगी ही नहीं। इस पर परसेंटेज कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है शो करनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसे। इस कंडीशन में हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल को खोल लीजिए। देखो एक आसान सा तरीका आपको बता दूंगा मैं। कस्टमर ये काफ़ी इससे खर्चा भी मांगा गया है कई दुकानों पर। कोई बोल रहा मदरबोर्ड चला गया इसका, कोई बोल रहा कुछ चला गया इसका। इसका भाई कुछ नहीं गया है, फ्री में ठीक करके दिखाऊंगा आपको, फ्री में, ठीक है। सर्विस सेंटर में कस्टमर होके आया, कह रहा है वो 4000 रुपये लग रहे हैं बोर्ड के। देखिए इसको खोलने का तरीका ये होता है, आपसे अगर ना खुले ना, ये आप सोचो कि ये टाइट बहुत है इसका ढक्कन कैसे खुलेगा, मैं खोलने का तरीका बता देता हूँ। ये जो चार्जिंग जैक लगा हुआ है नीचे का, टाइप सी का चार्जर लगता है इसमें। यहाँ पर आप इस तरीके से कोई ब्लेड वगैरह ऐसे अटकाइए और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जगह बन गई। अब इसमें आप नाखून डाल दीजिए, नाखून डाल के आगे तक ध्यान से करना दोस्तों, ब्लेड होगी तो, है ना। बस अब ब्लेड हटा लीजिए, अब ब्लेड का कोई काम नहीं है। अभी नाखून चला गया ना, अब इस नाखून को यहाँ से, आप अगर किसी दुकान पर इस कंडीशन में चले गए तो समझ लेना भाई साहब के आपका पूरा दिन ख़राब कर देगा वो दुकान वाला। और अक्सर करता है जब ये कंडीशन मिल जाती है ना किसी को, तो उसके पास पूरी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि अब वो आपसे पैसे खींचेगा। अब वो बेवकूफ़ बनाएगा ही बनाएगा आपको कि सेट डेड है, तो उसमें वो बता देगा मदरबोर्ड ख़राब है, 1500 लगेंगे, 2000 लगेंगे। इसमें देखना अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा इसमें क्या लगेगा। ये ढक्कन खोल लिया आपने, ढक्कन खुल गया, ठीक है। अब इसके बाद हम खोलेंगे ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा खोलने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। इस प्रॉब्लम में देखो करना क्या होता है, ये ऊपर का कवर खोल लीजिए बस। और ये बातें दोस्तों देखो कोई बताएगा नहीं, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, ये जो बैटरी का पत्ता है ना, ये आपको रिमूव करना है, ठीक है। बैटरी का पत्ता रिमूव कर दीजिए, उसके बाद ये दूसरा पत्ता छोड़ के तीसरा वाला जो पत्ता है, ये जिसपे मेन और ये सब लिखा है, सब बोर्ड का पत्ता होता है, इसको आप रिमूव कीजिए। ये रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, अब देखो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। आपको लगाना चार्जर मोबाइल फ़ोन में, बहुत आसान है दोस्तों, चार्जर लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले लगाना बैटरी का पत्ता, उसके बाद ये सब बोर्ड का पत्ता लगा देना। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। अगर यहाँ से नहीं हुई तो फिर मैं आपको दूसरी टिप्स दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसी बात पर लाइक कर दीजिए। बस ये छोटी सी प्रॉब्लम है, बैटरी के एम्पियर्स डाउन हो जाते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और आपको इतना बेवकूफ़ बना दिया जाता है दुकानों पर कि भाई 1500 लगेंगे, भाई 2000 रुपये लगेंगे, बोर्ड ख़राब है, ये ख़राब है, और आप दे देते हो। क्योंकि देखो हर किसी को नॉलेज तो होती नहीं, वो फ़ोन ठीक कराने जाते हैं वो सोचते हैं कि भैया अब दुकानदार बता रहा तो सही बता रहा होगा। कोई बोल देता बैटरी ख़राब है, कुछ ख़राब नहीं है इसका। अभी देखो इसकी 1% आ जाएगी ना, उसके बाद ही मैं वीडियो को कट करूँगा, उससे पहले कट नहीं करूँगा। ये प्रॉब्लम है दोस्तों, कई सेटों में आती है ऐसी प्रॉब्लम। ये अभी मैं इसको सेट को पूरा ऑन करके दिखाऊंगा आपको, बस मैं 1 मिनट और, बस 1 से 2 मिनट चाहिए मेरे को ये बैटरी उठने में। ये तरीका दोस्तों आपको हर कोई बंदा नहीं बताएगा, कोई रिपेयर वाला ये चीज़ बताता नहीं है। क्योंकि और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों आपसे कि कई भाई मेरे व्यूवर्स जो हैं देखने वाले, कई बंदे ऐसे हैं जो ऐसी कमेंट कर देते हैं, ज़्यादा तो नहीं करते, एक दो की आई है ऐसी कमेंट कि सर ऐसे राज क्यों खोल रहे हो आप, ऐसे राज क्यों बता रहे हो। भाई तो देखो सिंपल सी बात है,
अगर आप हराम तरीके से कमाओगे तो भाई आपके लिए, आपकी दुकान के लिए भी खतरनाक है, मतलब खतरा है, नुकसान है आपकी दुकान के लिए। और भाई पब्लिक का पैसा यार, किसी का आजकल वैसे ही इतनी परेशानी चल रही है, इतना महंगा हो रखा है, इतनी महंगाई हो रखी है भाई साहब, हर चीज़ डबल रेट से भी ज़्यादा ऊपर जा रखी है। तो दोस्तों ऐसी मजबूरी का फ़ायदा किसी का ना उठाएं तो ज़्यादा अच्छा। ये किसी लेडीज़ का फ़ोन है, बेचारी पहले ही परेशान थी, कह रही भैया कोई 1000 रुपये ले रहा है, कोई 2000 रुपये ले रहा है, आप बताओ आप क्या लोगे। तो मैंने कहा लो मैडम अभी मैं बस 5 मिनट दे दो मेरे को, 5 मिनट मैडम बाहर खड़ी हैं, मैं उनको देता हूँ। अब दोस्तों देखो 1% हो गया, बस ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर, और कुछ भी नहीं था। बेकार में डरा रखा था उस लेडीज़ को कि आपका फ़ोन का ये चला गया, मदरबोर्ड चला गया, कोई कह रहा सॉफ्टवेयर चला गया, भाई कुछ नहीं गया। मैंने क्या किया ये करके दिखा दिया आपको, बस कमाओ तो दोस्तों तरीके से कमाओ, कह के मांग लो कि मैडम थोड़ी सी सर्विस करूँगा, 100 रुपये लगेंगे या 150 रुपये या 200 रुपये, इतने मैं ले लूँगा। मगर इतना ना हो कि भाई तुम बिल्कुल ही एक हराम गर्दी पे उतार आओ कि भाई नहीं मैडम मुझे तो दो हज़ार रुपये चाहिए, इसका बोर्ड ख़राब है वो रिपेयर करूँगा, और मोबाइल रिपेयर वाला ये काम करके और चार्ज करके बंदे को दे देगा, कहे लो मैडम मैंने कर दिया, अब गारंटी नहीं है बाद की। तो ये चीज़ें दोस्तों आप खुद से कर सकते हो घर पे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपके किसी रिश्तेदार में किसी दोस्त का ऐसा फ़ोन हो और उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बिल्कुल उसे ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों आपके साथ कोई ऐसा धोखाधड़ी वाला काम कभी हुआ हो तो कमेंट ज़रूर किया करो, मुझे अच्छा लगता है जब आप बताते हो कि सर 2500 रुपये मांगे थे एक ने और 300 रुपये में काम हो गया, 200 रुपये में काम हो गया, आपने सही बताया। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों मैं चाहूँ तो शॉर्ट वीडियो भी बना सकता हूँ, मगर शॉर्ट वीडियो में दोस्तों मैं नहीं समझ पाता कि आपकी समझ में कुछ आएगा, और मेरा जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप अवेयर हो जाएं और आपकी समझ में कुछ आए और आप कुछ ना कुछ अचीव करो, कुछ ना कुछ मतलब अपना फ़ायदा लो मेरी वीडियो से। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये ओके हो चुका है, अभी ये थोड़ी देर में 2% भी होगा, पर मैंने एक की बात कही थी आपको, मैं एक पे ही इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। अब इसे ऑन करके दिखाता हूँ दोस्तों मैं, ये है सैमसंग का M21, मैंने बताया था M21, M31, M30S, M20S ये सेम मॉडल होते हैं, इसी तरह का इनका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है ना ऐसा ही होता सेम, बाकी खाली मॉडल अलग अलग होते हैं। सैमसंग के फ़ोन में दोस्तों ये प्रॉब्लम आना आम बात है आज के टाइम में, और मगर हर कोई बंदा समझ नहीं पाता कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया यहाँ से प्रॉब्लम आती है, अब देखिए सेट ऑन हो चुका है, इसकी लाइट बिल्कुल कम कर रखी है। लो दोस्तों ठीक है दोस्तों, बल्ले बल्ले। अब दोस्तों इसी बात पे आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो दोस्तों, धीरे धीरे हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है, धीरे धीरे हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं चाहूँगा कि नए मेहमान जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, किसी के लिए फ़ायदा ही होगा, और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों ऐसी वीडियो को। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।